सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, अगर आपके यूट्यूब चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है तो आपको इस स्ट्राइक को हटाने के लिए क्या करना है, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ किस तरीके से उस स्ट्राइक को हटा सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप हमारे इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल को ऑल पर कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा इस तरह से आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, अपने चैनल का वीडियोस में स्ट्राइक को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल को यहाँ पर मोबाइल पे कंप्यूटर पे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं मोबाइल पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्रोम पे आपको अपना चैनल को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस टाइप से आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्क्रॉल करके ऊपर चार सेव वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा रिलोड होगा, रिलोड होने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो चैनल वीडियोस स्ट्राइक में क्लिक करता हो, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस, आप नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा स्ट्राइक जो है यहाँ पर शो हो रहा है, या फिर अपील रिजेक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आके एक्शन लेना है, आपको रिक्वेस्ट करना है आपको जिस कंपनी ने या जिस क्रिएटर ने, अब जिस बंदे ने आपको यहाँ पर स्ट्राइक दिया है, इसको रिक्वेस्ट करना है। आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है तो होता है, नहीं होता है तो आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस टाइप से हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्राइक ऑन June 23, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऊपर डेट दिया हुआ है एक्सपायर September 21, यहाँ पर इस टाइप से आपको एक्सपायर डेट देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक्सपायर डेट तक वेट करना है, आपका एक्सपायर डेट जब तक आ जाएगा आपको वेट करना है, बस खुद बाय खुद आपका स्ट्राइक ऐप से हट जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हो स्ट्राइक हटाने के लिए, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपील कर सकते हो जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने, जिस क्रिएटर ने आपको स्ट्राइक दिया हुआ है, उस बंदे को या क्रिएटर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो एक्सेप्ट करता है तो करता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। देन आपको एक्सपायर डेट तक आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है, बस वेट करने के बाद आपका स्ट्राइक खुद बाई खुद गायब हो जाएगा। इस टाइप से आपको वेट करना है, बस आपका स्ट्राइक हट जाएगा। इससे आपको कोई भी जो स्ट्राइक हटाने के लिए कोई भी एप्लीकेशन वेबसाइट नहीं है जिससे आप स्ट्राइक को हटा सकते हो, आपको सिर्फ वेट करना है एक्सपायर डेट आने तक। तो इस टाइप से आपको स्ट्राइक हटा लेना है। तो यही तक था आज की वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक पैसा कमेंट भी कर दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ कोई एक और नई वीडियो के साथ।